हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों माइक आई थिंक ऑफ रह गया था चलिए वापस शुरू करते हैं दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं आप लोगों को पता है डेली अपनी क्लास होती है सुबह दस बजे सीरीज का नाम ही है लेट्स क्रैक साइंस साइंस को बिल्कुल क्रैक कर देंगे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी बशर्ते आप लोग डेली क्लास फॉलो कर रहे हैं आप लोगों को पता है दोस्तों टेक्नीशियन में तो अब साइंस का चाहे थी थी, तो टेक्नीशियन हो, हो आप लोगों को में पूरे है। क्योंकि पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप लोग अच्छे से समझते हो एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है ठीक है चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय सर से मिल जाएगी तो स्टार्ट करें आज का सेशन स्टार्ट करें दोस्तों आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से आप लोग समझना कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है इस प्रकार से मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है आ जाओ दोस्तों यहां पर आपको एक सिंबल दिया गया है आपको बताना है ये कौन से तत्व का सिंबल है आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कार्बन का सिंबल तो सी होता है गोल्ड का जो सिंबल होता है सर वो तो एयू होता है ठीक है जैसे हाइड्रोजन का तो सर एच होता है ये कौन से सिंबल आ गए दोस्तों आप लोगों को बता दूं जब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तत्वों की खोज नहीं हुई थी तो जितने तत्व थे उन सभी के कुछ विशेष सिंबल दिए गए जॉन डॉल्टन साहब के द्वारा जैसे जॉन डॉल्टन साहब ने बोला कि दोस्तों ऑक्सीजन का सिंबल होगा ये हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा वो क्या होगा एक सर्किल इसमें एक डॉट लगा दो फॉस्फोरस का उन्होंने कुछ सिंबल बताया ऐसा कुछ होगा तो सर किस किस के सिंबल हम लोगों को ध्यान रखने हैं दोस्तों जो आप लोगों को एनसीआरटी में दिए गए हैं एनसीआरटी में आप लोगों को इन बारह तत्व के सिंबल दिए गए हैं दोस्तों ध्यान रखने हैं ये आप लोगों के पूछे जाते हैं ग्रुप डी में भी आप लोगों के पूछे गए हैं तो दोस्तों बात आती है ये किसका सिंबल है एक सर्किल उसके अंदर सी तो बहुत जनों को लगता हुआ कार्बन का है? नहीं दोस्तों कार्बन का तो क्या है सिंपल एक सर्किल और उसमें देखो हल्का सा कलर भरा हुआ है देखो ये रहा कार्बन का ऑक्सीजन का क्या है सिंपल सर्किल कार्बन का क्या है सर्किल और उसमें हल्का सा अगर आप लोग देखोगे तो ये भरा हुआ है ना समझ में आ गई बात को तो ये कार्बन का नहीं है दोस्तों ये किसका है कॉपर का है तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लियर अगर हम लोग बात करें ये तो देखो पहले की बात है रिसेंट टाइम की बात करें तो आप लोगों को पता है कॉपर का सिंबल क्या है सीयू है गलती से सीओ मत बोल देना क्योंकि ये कोबाल्ट का है समझ में आ गई चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों का बताइए समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे मतलब ये आपका पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी इसके बीच में बहुत सारे प्रतिरोध है तो आप लोगों को इनका एक प्रतिरोध बनाना है अब कैसे बनाएंगे देखो बहुत जनों को ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन दोस्तों बहुत सिंपल है है ना बहुत ज्यादा सिंपल है देखो ध्यान से देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये तीन ओम और ये तीन ओम एक सीरीज में ही तो है एक श्रृंखला में ही तो है एक लाइन में ही तो है बताओ सीधे चलोगे 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 एक सीरीज में ही तो आ रहा है तो जब भी कोई दो प्रतिरोध सीरीज में होते हैं श्रृंखला में होता है उनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं सर सर सिंपली ऐड कर दो तो तीन और तीन कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा जाएगा दोस्तों अरे बोलिए ओम यानी अब मैं इसको हटा दू सिमिलरली अगर आप लोग नीचे ध्यान से देखोगे तो ये दो ओम और ये दो ओम सीरीज में ही तो है श्रृंखला में ही तो है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे सर इसको हटा दो इनको सिंपल जोड़ दो प्लस दो चार ओम आपका हो जाएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या सेम यहां पर तीन प्लस तीन छह और यहां पर आप लोगों का चार हो जाएगा सिमिलरली यहां पर तीन प्लस तीन छो दो प्लस दो चार हो जाएगा इतनी सी बात समझ में आ गई अब नया डायग्राम आप लोगों का क्या बन गया ये सर आपके ऊपर छह ओम का और जस्ट इसके सामने ये हो गया आप लोगों का चार ओम का ये डायग्राम समझ में आ गया क्या सेम दोस्तों आगे भी ऐसा ही है ये आप लोगों का छह ओम ये आप लोगों का चार ओम मैं लिख देता हूं छह ओम चार ओम ठीक है फिर आप लोगों का ये ओम और फिर जस्ट इसके सामने ये चार ओम ये लो आपका नया डायग्राम बन गया बन गया अब देखो अब यहां पर छह ओम ये और ये चार ओम किस में है देखो दोस्तों कमेंट करके बताओ जल्दी से ये छह ओम और ये चार ओम किस में है, सर? में है, समांतर में है। तो जब भी कोई दो प्रतिरोध समांतर में होते हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है वन अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू ठीक है तो वन अपॉन आर इक्विलेंट कितना हो जाएगा वन अपॉन आर वन पहला प्रतिरोध कितना है छह ओम प्लस वन अपॉन आर टू दूसरा कितना है चार ओम तो केवल इन दोनों का समतुल्य निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपने एलसीएम ले लिया आ जाएगा दो इधर आ जाएगा तीन तो वन अपॉन का, तो का मान कितना आ गया? कितना आ गया बारह बट्टे पांच आ गया तो दोस्तों इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया बारह बटे पांच ओम आ गया यह आ गया बारह बट्टे पांच ओम ठीक है सिमिलरली इसका भी बारह बट्टे पांच आएगा इसका भी बारह बट्टे पांच आएगा तो बारह बट्टे पांच फिर आप लोगों का बारह बट्टे पांच और फिर आप लोगों का बारह बट्टे पांच आगे बात समझ में अब ये तीनों प्रतिरोध किसमें तीनों किस में है सीरीज में है श्रृंखला में तो जब भी कोई तीन प्रतिरोध श्रृंखला में होते हैं ये चार प्रतिरोध श्रृंखला में होता है उनका समतुल्य कैसे निकालते हैं सिंपली इनको ऐड कर दो तो 12 बट्टे पांच प्लस बारह बट्टे पांच प्लस बारह बटे पांच कितना हो जाएगा या 12 बट्टे पांच को तीन से गुना कर लो कितना हो जाएगा ये आपका छत्तीस बट्टे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कितनों को समझ में आया कमेंट करके बताइए सर बाय मिस्टेक आई इंड्रॉल इन बेसिकट्यूट ऑफ जनरल साइंस तो आप है ना इस नंबर पर कॉल कर ले ठीक है प्लीज आप परेशान मत हो ठीक है इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर ले ये बात समझ में आ गई क्या ये बात आ गई समझ में किस किस को आया आ आगे मजा कोई बात नहीं दोस्तों गलती सभी से होती है लेकिन जब मैंने आपको समझाया तो समझ में आ गया जैसे मैं आपको बताऊं इस बार ग्रुप डी 2022 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था सर क्या क्वेश्चन आया था एक वायर दिया गया था आपको बोला गया गया अगर मैं वायर को एक सर्किल में सर्किल में बना दू है ना घुमा के एक सर्किल बना दू व्रत बना दू तो इसके दो अपोजिट पॉइंट के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा तो यहां का जो प्रतिरोध है और यहां का प्रतिरोध ऐसे करके निकालना था बहुत अच्छा क्वेश्चन था तो दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है समतुल्य प्रतिरोध के इसलिए मैं आप लोगों को ये आपको हर सेट में एक नए क्वेश्चन करवाता हूं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है सर फिजिक्स और मैथ्स है क्या हम लेवल फाइव वाला पोस्ट फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आई ए एस एस के जी प्लीज इधर ध्यान दो आप लोग चलो देखो नाम रख रखा है आई ए एस और बोल रहे हैं कि सर मैं वो जो टेक्नीशियन का जो फॉर्म आया ना मैं कौन सा भरू ग्रेड वन वाला भर सकता हूँ या थ्री वाला भर सकता हूँ नाम रख रखा है आई ए एस अब देखो आप आ जाओ दोस्तों वे अम्ल और शार कौन से हैं जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं दोस्तों इस बार के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है देखो आपको पता है जब भी किसी एसिड की रिएक्शन करवाओगे किसी बेस से तो क्या मिलता है सर एक तो सॉल्ट मिलता है लवण मिलता है साथ में क्या बनता है वाटर बनता है ध्यान रखेंगे दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं और इसका दोस्तों देसी नाम क्या है? Soda, ये एक है, लवन है इसका मतलब ये किसी ना किसी एसिड और बेस से मिलके बना होगा बताओ किससे मिलके बनता है देखो ध्यान से समझिएगा अगर आप लोग मैं इधर लिखता हूं इतनी मेहनत क्यों करूं यहां पर देखो अगर आप लोग कार्बोनिक एसिड है ना इसकी रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक एसिड है ये एक बेस है तो इनसे आप लोगों को क्या मिलेगा अच्छा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लोगों को बोला जा रहा है दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट आपको नहीं बोला गया है ठीक है सोडियम और एक्चुअली है ना मेरे हिसाब से मे, मुझे ढंग से ध्यान है क्वेश्चन में आप लोगों से सोडियम बाई कार्बोनेट पूछा गया था ना मैंने गलती कर दी यहाँ पर सोडियम बाई है ना सोडियम बाई मैंने यहां पर गलती कर दी है टाइप लिखने में तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट है न, सोडियम सोडियम कार्बोनेट जो है ये भी एक सोल्ट है यानी एक एसिड और बेस से बना होगा तो जो बेस यूज होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो आपका एसिड है वो है कार्बोनिक एसिड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों एसिड दो प्रकार के होते हैं एसिड 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 और वीक वीक क्या मुझे बता सकते हो कैसा है 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 सर ये है, सर ये 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 दुर्बल अम्ल बेस भी दो प्रकार के होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ये कैसा बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है प्रबल क्षार है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जब वीक एसिड और वीक बेस मिलके जो सॉल्ट बनाते हैं ना वो न्यूट्रल होता है उदासीन प्रकृति का होता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का बनेगा अम्लीय प्रकृति का बनेगा क्योंकि इसमें से कौन सा था acid था एसिड एसिड अगर वीक हो हो और बेस तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा शारी प्रकृति का बनेगा तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये अम्ली प्रकृति का, का तो आप लोग क्या बोलोगे शारी प्रकृति का क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये भी इस बार के ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे एक्सपेक्टेड भी करेंगे ठीक है बताओ 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 देखो ध्यान से समझो प्लीज दोस्तों आपको पता है टेक्निश अरे जो जी लगवा देंगे पहले इधर पढ़ लो सर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास का क्या हुआ साइंस पढ़ा रहा हूँ इधर तो पढ़ रहे वस्तु का समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए अगर आप लोग ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो एक अवतल दर्पण दिया हुआ है उत्तल दर्पण दिया हुआ है देखिए दोस्तों ये रहा आपका अवतल दर्पण किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं पोल यानी ध्रुव एक ऐसी रेखा जो पोल से होके गुजरती है

अगर कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखो यहां पर, रखो यहां पर 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 रखो कहीं पर भी रखो क्या आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा सर ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट यानी सीधी तो अगर आप लोगों को उल्टा प्रतिबिंब चाहिए किसी वस्तु का तो कॉन्वेक्स मिरर ये काम नहीं कर सकता कॉन्वेक्स मिरर को आप लोग बिल्कुल हटा दो क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या दूसरी बात कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है छोटा यानी वस्तु को यहां पर रखो यहाँ पर रखो कहीं पर भी रखो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा आपको चाहिए दोस्तों समान आकार का तो ये कॉन्वेक्स मिरर ये काम नहीं कर पाएगा दोस्तों कहानी क्लियर है क्या चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे कौन के मिरर की तरफ अवतल दर्पण की तरफ देखिए दोस्तों अगर आप लोग किसी वस्तु को कौन के मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र पर रखोगे ना तो प्रतिबिंब ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा समान आकार का बनेगा तो अगर आपको समान आकार का चाहिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप लोगों को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में आप लोग रखोगे ना यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी तो प्रतिबिंब कैसा बनता है कोई बताएगा छोटा बनता है क्लियर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट right में कहीं पर रखोगे वस्तु को यहां पर यहां पर यहाँ पर कहीं पर भी तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बड़ा बनता है ये बात क्लियर है क्या दोस्तों एक ट्रिक में और बता दू आपको अगर किसी वस्तु को आप लोग फोकस या फोकस के लेफ्ट में रखते हो तो इमेज कैसी बनती है रियल बनती है वास्तविक बनती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है उल्टी होती है तो आपने कहां पर रख रखा है यहां पर वक्ता केंद्र पर रख रखा है वक्रता केंद्र कहां पर है? फोकस के लेफ्ट में है ना तो इमेज बेसिकली रियल बनेगी क्लियर है क्या सर पीजीडीसी वालों के लिए कोई वैकेंसी है क्या बताओ क्लियर सर सोडियम बाई कार्बोनेट तो ही होगा ना

आपको इसका आई नेम आप लोगों को बताना है सर क्या मैं क्लास नाइन टेन के एन बुक पढ़ लू क्या पढ़ लो अच्छी बात है पढ़ रहे हो तो ये कमेंट देखो पिछले दस मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो मैं आपके पांचवे नंबर पे क्वेश्चन पहुंच गया सर मैं बुक पढ़ लू क्या तो पढ़ लो अच्छी बात है ये कोई बेकार बात है क्या आ जाओ इसका आई यूपीसी नेम बताना है दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए एक ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा आए क्या मैं ये श्रृंखला चुन लू क्या क्या मैं ये श्रृंखला चुन लू क्या ऐसे करके ऐसे करके देखो इसमें कितने कार्बन आए एक दो तीन चार तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें चार से ज्यादा कार्बन आए क्या मैं ऐसी श्रृंखला चुन लू क्या ये वाली श्रृंखला इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच बहुत बढ़िया इसके अलावा कोई सुन सकते और देखो श्रृंखला बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ऐसे नहीं कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ जैसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ऐसे गए और ये बिल्कुल ऐसे ऐसे भी कर सकते हो एक लाइन में चलने चाहिए हो। तो यहां पर देखोगे एक दो तीन चार पांच सर ये भी चुन सकता हूं तो कुल मिला के कोई से भी आप लोग चुनो पांच से ज्यादा आप लोगों के नहीं आएंगे तो क्या मैं ये श्रृंखला आप लोगों की चुन लो ठीक है दोस्तों ये हो गई आप लोगों की मुख्य श्रृंखला यहां तक कोई दिक्कत है क्या पहला स्टेप समझ में आ गया क्या दोस्तों दूसरा स्टेप क्या है पहला स्टेप क्या है आप लोगों को सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है वो काम आप लोग कर चुके हो दोस्तों दूसरा काम क्या है आपको नंबरिंग करना है आपको नंबरिंग करना है इनको नाम देना है जैसे टोटल इसमें पांच कार्बन है ना तो नाम देना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक सीक्वेंस में होना चाहिए ऐसा नहीं पहला इसको दे दो फिर दूसरा इसको फिर तीसरा एक सीक्वेंस में होना चाहिए या तो एक दो तीन चार पांच ऐसे करो या एक दो तीन चार पांच ऐसे करो सर मैं कहां से स्टार्ट करूं यहां से स्टार्ट करूं या यहां से स्टार्ट करूं दोस्तों ध्यान रखिएगा सर आपका पेड कोर्स पे मैंने क्लास लिया है कहां से स्टार्ट करूं दोस्तों पेड कोर्स में पे मैं आपको केमिस्ट्री करवा चुका हूं बायोलॉजी चल रही है जब बायोलॉजी खत्म होगी ना तब फिजिक्स शुरू होगी आप बोल रहे ना फिजिक्स नहीं देख रही तो दोस्तों बायोलॉजी खत्म होगी तभी तो फिजिक्स शुरू करेंगे चलो बताओ तो कहां से हम लोग शुरू करें दोस्तों मुख्य श्रृंखला से बाहर ये जो बाहर निकल रहा है ना देखो ये तो हमारी मुख्य श्रृंखला है इसके बाहर कुछ आ रहा है क्या देखो सर ये भी बाहर आ रहा है ये भी बाहर आ रहा है ये भी बाहर आ, आ रहा है तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है कि जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना उनको कम से कम नंबर मिले अगर आप लोग यहां से करते हो तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो आ रहा है इसको तीन नंबर मिलता लेकिन अगर आप लोग अगर आप लोग यहां से करोगे यहां से तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना उसको कम नंबर मिल जाएगा देखो दूसरे नंबर पर ही आ जाएगा बात सही है क्या बात सही है क्या तो एक दो तीन चार पांच मैं ऐसे नंबरिंग करूंगा दोस्तों पहला स्टेप समझ में आ गया दूसरा स्टेप समझ में आ गया बोलो हाँ या ना ठीक है तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों आपकी जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें टोटल कितने कार्बन है कोई बताएगा क्या बताओ पांच कार्बन है दोस्तों पांच कार्बन के लिए जो रूट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है कोई बताएगा क्या बोलते नहीं हो सर पेंट किया जाता है पेंट अब दोस्तों अगर सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो ये होता है एल्केन तो क्या ये एक एलकेन है क्या तो जब भी एलकेन होता है तो दोस्तों एक प्रत्यय लगाते हैं ए एन ई -E. तो मैं ए एन ई लगा दू क्योंकि इन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कहानी क्लियर आ गया मजा बिल्कुल सर ये नाम हो गया लेकिन दोस्तों आपने तो नामकरण इसका बताया है क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी बाहर निकला हुआ है क्या तो जो एक्स्ट्रा पार्ट निकले हुए होते हैं ना उसकी भी आपको जानकारी देनी पड़ती है और उसकी जानकारी सबसे हम लोगों को आगे लिखनी है सर एक्स्ट्रा पार्ट क्या लिखा हुआ है दोस्तों अगर एक्स्ट्रा पार्टी सी एच थ्री निकला हुआ होता है ना तो इसको आप लोग बोलते हैं मिथाइल ठीक है अगर ये सी टू एच फाइव लिखा होता है तो इसको बोलते हैं इथाइल तो आपका यहां पर क्या है मिथाइल यहां यहां पर भी यहां पर भी भी मिथाइल मिथाइल तो बेसिकली मिथाइल कितने हैं टोटल तीन है कहां कहां पर है एक तो दूसरे नंबर के कार्बन पे दो क्लियर और एक तीसरे नंबर के कार्बन पे है. तो मैं ऐसे लिख दू क्या टू टू, टू थ्री इसका मतलब एक नंबर टू पे है एक नंबर टू पे है एक नंबर थ्री पे है और क्या है मिथाइल है तीनों मिथाइल है टू 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 थ्री ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका सही आपका नामकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर है क्या कुमार शिवाजी कमेंट कर रहे हैं सर बुक कब आएगा दोस्तों बुक नहीं आएगा ठीक है जब मैं आपको बोल दिया दोस्तों बुक आउट ऑफ स्टॉक चल रही है लेकिन आपको समस्या क्या आ रही है मैं आप लोगों के लिए देखो सिलेक्शन एक ही चीज से होगा दोस्तों पढ़ने से और पढ़े ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया जो चीज आप लोगों के सिलेबस में उसको अच्छे से समझना और उसको रिवाइज करना वो मैं आपको समझा रहा हूं और इस पर ध्यान आप लोग नहीं दे रहे हो है और मैंने आपको यह भी बोल दिया जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनके लिए मैंने एक चीज कर दी आपको बुक क्यों चाहिए खुद से नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग सीधे उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए हाथ से लिखा हुआ है हर चैप्टर के चार चार पांच पांच पेज के तो बस प्रिंट आउट निकाल के उससे पढ़ लो आपके लिए मैंने सारी सुविधाएं मैंने कर दी है क्लियर है है ना तो आप लोग प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए साथ में मैंने कोर्स में आपको टेस्ट भी दे दी है सब मैं आपको दे रहा हूं तो सॉल्यूशन सब है बस पढ़ने वाला होना चाहिए आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है आंसर आप लोग बताएंगे बताओ बताओ सर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा कोई बात नहीं हो जाएंगे धीरे धीरे हो जाएंगे परेशान मत होइए ना देखो आप जब डेली क्लास लोगे ना तब आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे आप सोच रहे हो मेरे को एक ही क्लास में ना बायोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाए केमिस्ट्री भी हो जाए फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी हो जाए ये भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता होगा कब धीरे 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 ठीक है आ जाओ दोस्तों फेरस सल्फेट को जब कांच के नली में गर्म करोगे जैसे आपने क्या लिया एक ग्लास की ट्यूब ली इसके अंदर आपने क्या डाला फेरस सल्फेट आपने डाला और इसको आपने गर्म करा दोस्तों जब आप लोग इन फेरस सल्फेट डाल के जब गर्म करते हो ना तो ये टूटता है टूट के क्या निकालता है दोस्तों कुछ गैसेज भी निकालता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी निकालता है सल्फर ड्राइक्साइड भी निकालता है साथ में दोस्तों एक सॉलिड और बच जाता है तो आपको ये बताना ये जो सॉलिड बचा जो ये अवशेष बचा ना ठोस अवस्था में ये क्या है दोस्तों क्लास टेन साइंस का जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना उसका एग्जाम्पल ही पहले नंबर का ये दिया हुआ है सर रिएक्शन किसको बोलते हैं मान लो दोस्तों कोई रिएक्टेंट है कोई अभिकारक है अगर दोस्तों ये टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा उत्पाद बना रहा तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं जैसे दोस्तों ये है आप लोगों का फेरस सल्फेट टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने फेरस सल्फेट डाला जब आप लोग इसको हीट करते हो तो ये टूट जाता है डीकम्पोज हो जाता है क्या बनता है एक तो फेरिक ऑक्साइड देखो ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है क्या एस का मतलब सॉलिड ये ठोस अवस्था में है साथ में दोस्तों कुछ गैसेज भी निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड दोस्तों ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फेरिक ऑक्साइड बचा उसका रंग क्या है येलो कलर का होता है व्हाइट कलर का होता है तो देखो फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड व्हाइट है ना तो ये व्हाइट कलर का होता है, ध्यान है? तो हो कर समय पढ़ने के बाद भी सर मेरे से क्वेश्चन बन बनता है तो डिप्रेस हो जाता हूं दोस्तों डिप्रेस तो होना ही नहीं है, है ना अच्छी बात है क्वेश्चन नहीं बन रहा इसका मतलब हम लोगों को पता होनी चाहिए अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ है या तो चीजें रिवाइज नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी नहीं है या फिर दोस्तों जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं तो इन सभी चीजों को ही तो हम लोगों को सही करना है एग्जाम में जाने से पहले मैं दोस्तों डेली यहाँ पर बीस क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपके कोई बात नहीं तीन ही सही हो चार ही सही हो कोई बात नहीं लेकिन जो बाकी के आपने सोलह से सत्रह चीजें नई आप लोगों ने सीखी है वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए क्योंकि बेसिकली आप लोग क्लास में इसके लिए नहीं आई है तो आपको पहले से आता था उन चीजों के लिए जो आपको नहीं आती थी उन चीजों के लिए जो आपको याद नहीं है गलती कर रहे हो उन चीजों के लिए आए जिसको सॉल्व करने में आप काफी समय लगा रहे हो जो आसानी से हो सकती है तो कुल मिला के अगर आप लोग ये ढंग से ही सारी चीजें करते हो तो सही मायनों में आपके बीस मार्क्स है क्लियर है आ जाओ बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये आप बोलोगे सर बच्चों जैसा क्वेश्चन है बताओ सर बच्चों जैसा क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा अभी मैं बताता हूं देखो सर बेकिंग सोडा तो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट कोई बेकिंग सोडा बोलते हैं वॉशिंग सोडा होता है सर सोडियम कार्बोनेट दोस्तों आप करोगे ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे नहीं दोस्तों ये वॉशिंग सोडा नहीं है बहुत लोग गलती यही करते हैं देखो ये सिंपल अगर मैं इसका नाम पूछू आपसे तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है क्या है सोडियम कार्बोनेट है सर सोडियम कार्बोनेट है इसी को तो हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं नहीं दोस्तों देखो आपको अगर विश्वास नहीं है तो सीधा मैं तो एनसीआरटी का रेफरेंस दूंगा क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है हर चीज मैं करवाता हूं देखो दोस्तों वॉशिंग सोडा में क्या लिखा हुआ है आप लोगों को Na2CO3.H2O के ब्रैकेट में लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा क्लियर देखो आप जो बोल रहे हो ना बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दे रहे थे एन ए टू सीओ थ्री ये क्या है सोडियम कार्बोनेट तो जब आप लोग इसको जल से ट्रीट करोगे पानी इसमें मिलाओगे तो ये जो बनाना ये एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ ये आप लोगों का क्या है वॉशिंग सोडा है तो एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एच टू ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या आप लोग इसको बता सकते हो क्या ये क्या है एक्चुअली में इसका मतलब क्या है देखो जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए नमक हमारे घर में होता है अगर आप देखोगे नमक क्या दानों के रूप में होता है क्या क्रिस्टल के रूप में होता है क्या बताओ अरे नमक ऐसे दानों के रूप में होता है क्या मतलब दानेदार होता है क्या क्रिस्टल के रूप में होता है क्या क्रिस्टल किसको बोलता है चमकदार को बोलते हैं क्रिस्टल ऐसा होता है क्या नमक नमक के दाने दाने होते हैं क्या सिमिलरली दोस्तों यहां पर इसका मतलब क्या है ये जो सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना छोटे छोटे उसमें वाटर के मोलिक्यूल आप लोगों के फंस जाते हैं तो ये वाला आप लोगों का फॉर्मूला है ठीक है समझ में आ गया तो इसको हम लोग क्रिस्टलीकरण का पानी भी बोलते हैं क्योंकि इसके क्रिस्टल में पानी है चले आगे आ जाओ सर टेक्नीशियन का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में सरकारी रिजल्ट पे अलग अलग है चेंज कर दिया दोस्तों कल मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था जाके कि देख लो जो इंग्लिश में है वो बिल्कुल सही है बताओ दोस्तों जो जनरल आपका कॉमन सॉल्ट होता है सामान्य लवण जो सॉल्ट बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है कौन सा सॉल्ट है कौन से सॉल्ट को कौन से लवण को कॉमन साल्ट बोलते हैं इतना तो पता ही होगा आपको सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं आ जाओ अब क्वेश्चन को करो क्वेश्चन में बोला जा रहा है सोडियम क्लोराइड को रसोई में उपयोग करने के अलावा निम्न में से क्या बनाने में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यानी इनमें से किस चीज को बनाने में सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है कच्चे माल के रूप में या सोडियम क्लोराइड से आप लोग क्या बना सकते हो बताओ चार आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है क्या बनाओगे बताओ अगर आपको ध्यान हो सोडियम क्लोराइड बहुत सारी चीजें बनाता है बताओ क्या बनाता है जैसे आपने एक चीज बताता हूं सोडियम क्लोराइड में पानी डाल के पानी डाल दो नमक का पानी है जब इसमें आप करंट पास करवाओगे okay, तो क्या बनता है आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है क्लोरीन गैस बनती है तो देखो हाइड्रोजन गैस बनाने में क्लोरीन गैस बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं ये बनाने में एनए का इस्तेमाल हो रहा है, है ना और क्या क्या बनाने में होता है देखो दोस्तों आप लोगों का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट देखो उसमें कॉमन सॉल्ट में एक शानदार लाइन लिखी हुई है इसी लाइन से उठा के क्वेश्चन बना दिया सोडियम हाई देखो द कॉमन सॉल्ट ये करके मटेरियल ऑफ डेली इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज यानी जो कॉमन सोल्ट है जो सोडियम क्लोराइड है इसका यूज एक रॉ मटेरियल के रूप में होता है कई चीजों को बनाने के लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया इसको बनाने के लिए भी क्या चाहिए एन चाहिए बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एस टू को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर ये सभी चीजें बनाने में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है आप लोगों का दोस्तों बेकिंग सोडा बनाने में होता है क्लियर है क्या अरे देख लो ना अरे अभी भूल गए क्या ये देखो वॉशिंग सोडा इतना बड़ा लिखा हुआ तो है तो वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर वन टू एंड थ्री आप लोगों का आंसर हो जाएगा वन टू एंड थ्री आई थिंक इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है ये थ्री आएगा दोस्तों है ना क्लियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लैग्ड लाइन भूजा हुआ चूना किसको बोलते हैं कोई बता सकता है क्या सर देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना ये तो होता है बिना बुझा हुआ चूना यानी जल रहा है इसमें पानी डाल दो तो अब जो बनेगा उसको मैं क्या बोल दू बुझा हुआ चूना बोल दू क्या तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको ठीक है इसको लाइम वाटर चूने का पानी भी बोलते हैं तो उसमें सोडियम क्लोरीन का तो कोई यूज ही नहीं है क्लियर है क्या बात समझ में तो वन टू एंड थ्री आपका आंसर हो जाएगा क्लियर है क्लियर है क्या धर्मेंद्र जी वो फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग ठीक है सर साइंस बुक आपका आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है प्लीज प्रोवाइड करिए अरे दोस्तों मैं कितने प्यार से समझाऊ सारी चीजें मैंने बता दी नहीं है बुक यार आउट ऑफ स्टॉक है ठीक है नहीं है बुक नहीं आएगी आपको जिस काम के लिए बुक चाहिए थी वो सारी सुविधाएं मैंने अभी आपको दे दी है क्लियर है पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप बस बुक बुक करते जा रहे हो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र का क्वेश्चन है और मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत जनों को लगता है कि सर मुझे न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है कोई बात नहीं देखो ये देखना कितनी आसानी से बनाओगे नहीं बन रहा कोई बात नहीं बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है आ जाओ देखो किसी दो दशमलव पांच सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक सोलह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर चौबीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है दोस्तों सब छोड़ो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना देखो दर्पण दिया हुआ है लेंस दिया हुआ है दर्पण दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है अवतल दिया हुआ है तो उसका डायग्राम बना लो देखो अवतल दर्पण का डायग्राम ऐसा होता है ठीक है ये मैंने डायग्राम बना दिया किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं पोल यानी ध्रुव दोस्तों इसका कोई ना कोई सेंटर होगा बिल्कुल ये मान लेते हैं इसका सेंटर है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र बोलते हैं एक ऐसी रेखा जो इन दोनों पॉइंट को बुला मिलाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और इन दोनों के एग्जेक्ट बीच वाला पॉइंट क्या है आप लोगों का वो क्या है आप लोगों का फोकस है क्लियर है क्या दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है फोकस दूरी दी गई है फोकल लंबाई दी गई है जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं कितना दिया हुआ है सर सोलह सेंटीमीटर दिया है दोस्तों प्लस सोलह लू या माइनस सोलह सर माइनस सोलह लेना क्योंकि कॉनकेव अवतल दर्पण देखो इसमें चिन्ह यूज किए जाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो आप लोग नेगेटिव लेंगे कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में लेते हैं ठीक है आपने एक वस्तु को चौबीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है देखो फोकल लेंथ या फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर यानी पोल से फोकस की दूरी को ही बोलते हैं हम लोग फोकस फोकस दूरी तो ये आपका फोकस यहां से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है आपने कहीं ना कहीं कहां पर रखा है चौबीस सेंटीमीटर कहीं ना कहीं, कहीं, कहीं यहां पर रखा है आपने तो ये रख दी आपने कोई वस्तु रख दी ठीक है दोस्तों क्या इस वस्तु की कुछ ऊंचाई भी है क्या बिल्कुल सर इसकी ऊंचाई कितनी है ढाई सेंटीमीटर ढाई सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है क्लियर है दोस्तों दर्पण से वस्तु को जितनी दूरी पर रखते हो उसको यू से डिनोट किया जाता है तो मैं यू का मान बता सकता हूं क्या कितना हो गया माइनस चौबीस सेंटीमीटर ठीक है सर u का मान भी u का मान भी ध्यान रखिएगा हमेशा नेगेटिव लेते हैं हमेशा नेगेटिव लेते हैं ठीक है ठीक है आ जाओ अब आपको बताना है कि सर जो इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी चलो पहला क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूं जो इमेज बनेगी वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर पहले तो मुझे ये बताओ और इमेज दर्पण से से कितनी दूरी पर बनेगी इसको v डिनोट करते हैं तो बेसिकली v का मान बताओ पहले तो आपको दर्पण सूत्र पता होगा नहीं पता तो बताता हूं वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी सारा डाटा दिया हुआ है मैंने अभी फिलहाल आप लोगों से वी का मान पूछा गया है पूछा है तो एफ का मान कितना है माइनस सोलह तो एक बट्टे माइनस सोलह लिखो या माइनस एक बट्टे सोलह लिखो बात बराबर है ठीक है u का मान है माइनस तो एक बट्टे माइनस लिखो या माइनस एक बटेस लिखो बात बराबर है बिल्कुल बात प्लस वन बाई वी अब देखो क्या हो जाएगा वन बाई वी अब माइनस एक बट्टे चोईस इधर आके क्या बन जाएगा प्लस एक बट्टे चोईस बन जाएगा अरे माइनस एक बट्टे सोलह था दोस्तों एलसीएम ले लो अड़तालीस यहां पर आ जाएगा आप लोगों का दो सोलह तीन अड़तालीस दो में से तीन गया माइनस एक तो माइनस एक बटते माइनस अड़तालीस इमेज बन रही, हो, से बन रही है इस साइड बन रही है ना कि इस साइड ठीक है तो आपको यह तो पता पड़ गया कि 48 सेंटीमीटर पे बनी है लेकिन दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी होगी यह मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लियर है क्या अच्छा अबाउट प्लेस्ड एट ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर करो फोकल लेंथ दोस्तों रियली सॉरी इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा अलग हो गया ये है ना आई एम रियली सॉरी इंग्लिश में थोड़ा सा गलती हो गया माफी चाहता हूँ मैं आप लोगों से हिंदी में बिल्कुल सही है ठीक है अब सर कैसे निकाले दोस्तों आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है बिल्कुल सर पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई सर मुझे है ना कैसे निकालू मैं ये दोस्तों ध्यान रखोगे ये किसके बराबर होता है माइनस वी बाई यू के बराबर होता है ये माइनस वी बाई यू के बराबर होता है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या बिल्कुल दिया हुआ है सर ढाई दिया हुआ है ये किसके बराबर होगा माइनस वी बाई यू के वी का मान कितना आया माइनस अड़तालीस यू का मान कितना था माइनस चोईस था आपने इससे काटा माइनस से माइनस काटा अड़तालीस बट्टे चोइस हो गया दो तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा आपका माइनस दो गुना ढाई कितना मतलब हाइट तो पूछी गई है केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया है पांच सेंटीमीटर और पूछा जाए सीधा बनाए उल्टा बनाए आप लोग बोलोगे उल्टा बनाए इन्वर्टेड बनाए दोस्तों आया क्वेश्चन समझ में यस बोलो जल्दी से बताओ अरे यस बोलो अरे यस बोलो आया समझ में तो धीरे धीरे आएगा परेशान मत हुआ करो आप है ना आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ 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 अब आ गया चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए ये इस बार के के आप लोगों ग्रुप डी में पूछा गया हुआ है अच्छा क्वेश्चन है बताओ देखो किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु तो, इनमें से कौन सा गुणधर्म होना चाहिए पहले आपको पता है फिलामेंट होता क्या है ध्यान से देखना दोस्तों जो हमारा बल्ब होता है ना बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर होता है मैं आपको फोटो दिखा देता हूं देखो ये पतला सा वायर होता है तो जब करंट जाती है ना दोस्तों ये बहुत ज्यादा गर्म होता है गर्म और जब ये गर्म होता है हीट होता है ना तो ये क्या करता है लाइट उत्पन्न करता है प्रकाश उत्पन्न करता है तो अंदर इस वायर को क्या होना पड़ता है गर्म होना पड़ता है दोस्तों ये जो टंगस्टन जिस पदार्थ का बना रहे हो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए गलनांक उच्च होना चाहिए अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाएगा ये ठीक है तो अगर इसको हाई टेम्परेचर मिला यहां पर तो तो हो होना ही है इसको मेल्ट तो कर जाएगा दिक्कत हो जाएगी ना तो हमको ऐसा पदार्थ का बनाना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो ज्यादा हो क्लियर है क्या तो क्या लो मेल्टिंग पॉइंट वाला बनाना है क्या नहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला बनाना है अब क्या करना है देखो देखो प्यारे दोस्तों ध्यान रखो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है ना तो उसमें हीट डेवलप होती है कुछ उष्मा उत्पन्न होती है जो हीट डेवलप हो रही है उसका मान किस किस पर निर्भर करता है करंट पे करता है रजिस्टेंस पे करता है टाइम पे करता है कितने टाइम के लिए फ्लो कर रही है दोस्तों एक चीज मुझे बताओ अगर इस पदार्थ की रजिस्टिविटी ज्यादा होगी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी प्रतिरोधकता ज्यादा होने का मतलब क्या है इस पदार्थ के का गुण ही नहीं है कि इसमें से करंट करंट फ्लो मतलब फ्लो फ्लो मतलब कराने में दिक्कत करेगा ये। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करने चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे दिक्कत आएगी यहीं पर अटके रहेंगे तो हीट डेवलप होगी उष्मा उत्पन्न होगी तो अगर किसी पदार्थ की रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है ना तो उसमें करंट फ्लो होने पर उसमें हीट ज्यादा डेवलप होती है हमको चाहिए इसमें हीट ज्यादा डेवलप हो क्योंकि जितना ज्यादा ये गर्म होगा जितना ज्यादा ये गर्म होगा ना उतना ज्यादा क्या करेगा प्रकाश उत्पन्न करेगा तो मुझे क्या चाहिए इसकी रेजिस्टिविटी हाई हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बात समझ में आई ये आप लोग देख सकते हो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला क्लास टेन एनसीआरटी का देखो अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट ये भी बोल रहा है कि एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला पदार्थ हमको यूज करना है तो दोस्तों बल्ब के जो फिलामेंट बेसिकली बनाए जाते हैं मैक्सिमम किसके बनाए जाते हैं टंगस्टन के बनाया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है सौ अस्सी यानी इतना टेम्परेचर पहुंचेगा तब जाके ये मेल्ट करेगा 100 200 300 डिग्री सेल्सियस पे तो कोई प्रभाव ही इस पर नहीं पड़ेगा आगे बात समझ में चले आगे बताओ अरे बताओ बताओ दोस्तों निम्न में से किस तत्व की संयोजकता तीन है दोस्तों इसमें से मैंने एक ऑप्शन चेंज करा है इस बार तीस अगस्त के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैंने इसमें से एक ऑप्शन चेंज करा है आपको कुछ नया सिखाने के लिए बताओ इसमें से किस तत्व की संयोजकता तीन है दोस्तों संयोजकता आप लोग किसको बोलते हो अपने भाईतम कोश में तो मैंने हटाया है क्योंकि सबको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी तीन होती है कैसे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है तेरह परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है उसके परमाणु में प्रोटोन की संख्या तेरह है जितने प्रोटोन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते है प्रोटोन तेरह तो इलेक्ट्रॉन भी तेरह आपको पता है किसी भी एटम में बीच में होता है रह सकते हैं? दो रह सकते हैं दूसरी कक्षा में आठ रह सकते हैं बच्चे हुए तेरह में से दस को तो सेट कर दिया बच्चे हुए तीन अगली कक्षा में चले जाएंगे दोस्तों कैश के वाहम कोश में आठ है क्या नहीं आठ कैसे आएंगे अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो उसके व्यतम कोश में आठ हो जाएंगे तो उसकी वैलेंसी कितनी है तीन तो ऑप्शन में एक एल्यूमिनियम दिया हुआ था वो मैंने हटा दिया है उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन डाला है उसकी भी वैलेंसी तीन है तो आपको बताना है किसकी वैलेंसी तीन है दोस्तों देखो आंसर होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन सात होता है परमाणु क्रमांक सात होने का मतलब क्या है इसके एटम में इसके परमाणु में प्रोटोन की संख्या सात जितने प्रोटोन उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटोन सात तो इलेक्ट्रॉन भी सात पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं दो आ सकते हैं दूसरे में पांच आ सकते हैं दोस्तों आप मुझे बताओ इसके भाईतम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे अगर ये कहीं से तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो अपने कोश में आठ इलेक्ट्रॉन को प्राणने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी इसकी वैलेंसी कितनी है तीन है ऑप्शन नंबर बी और जो आपका रियल एग्जाम था ना उसमें नाइट्रोजन की जगह दिया हुआ था एल्यूमिनियम समझ में आ गया क्या वो मैंने एल्यूमिनियम हटाया है चला के क्लियर है क्या आ जाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे बताओ बताओ जल्दी से बताओ किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना काम करने के लिए हाइड्रोक अम्ल की आवश्यकता होती है देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है एंजाइम्स क्या होते हैं वो पदार्थ जो हमारी बॉडी में भोजन का पाचन करते हैं अलग अलग टाइप के एंजाइम बनते हैं कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराएगा कोई प्रोटीन का करवाएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा हमारा जो स्टमक होता है ना पेट उसमें एक एंजाइम बनता है जिसका नाम क्या है पेप्सिन एंजाइम किसका नाम इसका नाम क्या है पेप्सिन एंजाइम लेकिन ये पेप्सिन एंजाइम होता है ना इनएक्टिव होता है मतलब कार्य नहीं कर सकता एक्टिविटी नहीं है ये लेकिन हमारे पेट में ही क्या बनता है एचसीएल बनता है तो जब हमारे पेट में एचसीएल बनेगा ना तो एचसीएल की प्रेजेंस में ये पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा मतलब कार्य करने की दशा में आ जाएगा तो इस पेप्सिन को कार्य करने के लिए एच चाहिए अब पेप्सिन करता क्या है कोई बता सकता है क्या ये पेप्सिन एंजाइम करता क्या है देखो आप जो भी फूड लेते हो उसमें जो प्रोटीन होता है ना ये उसका डाइजेशन करता है क्या आप बताओगे प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन जब प्रोटीन आपका टूट के अमीनो एसिड में बना कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो अम्ब में तो आप लोग बोलोगे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया पूर्ण पाचन हो गया लेकिन पेप्सिन क्या कंप्लीट डाइजेशन करवा देता है कि नहीं पेट में जो पेप्सिन है ना प्रोटीन को किस में तोड़ता है पेप्टोन में तोड़ता है या फिर आप लोग इसको पेप्टाइड भी बोल सकते हो पेप्टाइड में तोड़ता है केवल इतना ही पाचन होता है आंशिक पाचन होता है फिर आगे चल के नीचे चल के आपका पेप्टोन टूटेगा अमीनो एसिड में क्लियर है क्या चले आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताओ बताइए आंसर और दोस्तों यार सेशन को लाइक करते देखो बोलना पड़ता आप है ना इतने प्यारे प्यारे दोस्तों फिर भी आपको याद दिलाना पड़ता है बताओ अब देखो आप लोग क्वेश्चन सभी को आता होगा रट भी लोगे लेकिन एक बार समझो इसका बोला जा रहा है कैचू का श्वसन अंग क्या है कौन से अंग से वो श्वसन करता है दोस्तों श्वसन होता क्या है आप मुझे ये बताओ रेस्पिरेशन होता क्या है कौन बताएगा श्वसन क्या होता है कोई बताएगा क्या कोई बताएगा क्या श्वसन क्या होता है हाँ सर मैं बताता हूँ हमारी सभी कोशिकाओं को एनर्जी की जरूरत है तो दोस्तों जैसे मान लो हमारी कोई कोशिका है उसके पास में भोजन चला गया तो उसको क्या एनर्जी मिल जाएगी क्या नहीं जब इसके पास में ऑक्सीजन जाएगी ना तब इसको क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी तब इसको एनर्जी मिलेगी साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी तो बेसिकली किसी कोशिका के पास में ऑक्सीजन का जाना फिर एनर्जी का निर्माण होना साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होना ये रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन क्या है एनर्जी के निर्माण के लिए गैस का एक्सचेंज हो रहा है ना ऑक्सीजन जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो ये काम हमारी बॉडी में कौन करता है लंग्स लंग्स का करता है एयर को अंदर डाल देता है और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी उसको फिर बाहर खींच देता है तो हमारी बॉडी में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो है लंग्स लेकिन दोस्तों कैचुए को भी तो रेस्पिरेशन की जरूरत है क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी मिलेगी तो कैचुआ क्या करता है दोस्तों अपनी स्किन से ही क्या करता है ऑक्सीजन अंदर ले लेता है अपनी स्किन से ही और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी स्किन से ही बाहर छोड़ देता है यानी इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है स्किन है त्वचा है आई बात समझ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है है ना आप लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ो फाउंडेशन से पढ़ो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बताओ बताइए दोस्तों एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया हुआ है आपको मुझे नहीं पता ये किसका है कार्बन का है फास्फोरस का है क्लोरीन का है मुझे नहीं पता आपको तो यह बताना ही है तत्व पीरियोडिक टेबल में कहां पर मिलेगा कौन से ग्रुप में मिलेगा कौन से आवर्त में मिलेगा वर्टिकल लाइंस को आप लोग ग्रुप बोलते हैं वर्ग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन को आप लोग पीरियड बोलते हैं बताओ कहां पर मिलेगा ये आपको मैंने बताया था अगर किसी के बाहित कोष में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सोलवे ग्रुप में होते हैं वो सोलवे ग्रुप में जितने भी आते हैं ना चाहे ऑक्सीजन हो सल्फर हो सेलेनियम हो सबके बाहतम कोष में छह इलेक्ट्रॉन है तो इसके भाईतम कोष में छह इलेक्ट्रॉन है यानी आपको सोलवे ग्रुप में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा जिसमें कोष तीन होते हैं जैसे इसमें तीन क्वेश्चन है पहला कोश दूसरा कोश तीसरा कोश वो सभी आपको तीसरे पीरियड में मिलेंगे तीसरे आवर्त में मिलेंगे जैसे आप इधर देखो तीसरे आवर्त में जो भी आता है ना सोडियम मैग्नीशियम जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश होता है ये ठीक है सोडियम का होता है टू कॉमा एट कॉमा वन तो तीसरे आवर्त में जो भी आता है ना सभी में टोटल तीन कक्षा होती है तो आप लोग ऐसे पहचान लो बाकी आठ और दो दस दस और छह सोलह इलेक्ट्रॉन यानी सोलह प्रोटोन सोलह प्रोटोन होने का मतलब है इसका नंबर सोलह सोलह किसका होता है हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रोजनियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सिनियॉन सोडियम मैग्नीशियम मैगनीशियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर सिलिकॉन का चौदह फास्फोरस का पंद्रह सल्फर का सोलह समझ में आ गई सर छूट मिलेगी हाँ दोस्तों मिल गई कल जितनी मिलनी थी ठीक है अब इधर पढ़ाई कर लो तुमने क्या है टीचर को बेवकूफ समझ रखा है आप लोगों के लिए दोस्तों पिछले महीने में डिस्काउंट लेकर आया था एक बीस फरवरी को मैंने और मैंने बोलता आखिरी दो दिन ले लेना कोई बात नहीं बच्चे भूल गए कोई बात नहीं रोज कमेंट करते सर छूट मतलब नहीं मिलेगी अब मैंने शिवरात्रि के मौके पे मैंने स्टार्ट किया था तीन दिन चलाया था डेली नोटिफिकेशन डालता था अब सर अब मिलेगी कुछ नहीं मिलने वाला पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे भी होने वाला नहीं है अगर एग्जाम के लिए सीरियस होते ना तो भैया मेरे से ज्यादा सीरियस होने की जरूरत आपको है हर एक चीज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ हर पेड़ पोर्स में इतना शानदार कॉन्टेंट रह रहा हूँ उसके लिए भी मैंने फीस कम कर दी और आपको दस बार बता रहा हूं कि दोस्तों आकर दे देना लेकिन नहीं सर हमको तो कोई घर पे आके कोई गोली दे दे और गोली लेते ही हमारा सिलेक्शन हो जाए हमको मेहनत नहीं करनी सर आप ये पढ़ा रहे हो हमको नहीं समझना आप कितने भी मेहनत कर लो हमको नहीं समझना मेरे को तो सर कोई बिल्कुल आसानी से हो जाए दोस्तों आसानी से कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में हर चीज के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है जितना ज्यादा प्रयास करोगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा ठीक है समझ लो बात को आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है दोस्तों हमारा पूरा का पूरा जो कंकाल है ना उसको दो पार्ट में बांटते हो ना आप लोग एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगी कंकाल तो दोस्तों टोटल जो दो सौ छह हड्डिया है उसमें से अक्षय कंकाल में होती है अस्सी उपांगी में होती है एक सौ छब्बीस कंकाल किसको बोलते हैं दोस्तों इस के, इस में, इस अक्ष के इस के के में अक्ष अनुदिश अलोंग जो भी हड्डी आ रही है ना उसको अक्षय कंकाल में काउंट करते हैं जैसे जैसे आपके खोपड़ी में कोई भी हड्डी आ रही हो ठीक है फ्रंटल दोस्तों आपके खोपड़ी की हड्डी है यानी अक्षय कंकाल में आएगी क्लियर है क्या दोस्तों जो आपकी पसली है रिप्स है ये ये भी अक्षीय कंकाल में आएगी यानी ये भी अक्षीय हड्डी है दोस्तों अब बात ध्यान से समझो इस एक्सिस के अलावा जो भी चाहे इस लेफ्ट वाले हाथ में हो राइट वाले में हो लेफ्ट वाले पैर में हो राइट वाले पैर में हो सारी उपांगीय कंकाल में आएगी जैसे शोल्डर में जो हड्डी है उपांगी कंकाल में आएगी उपांगिक कंकाल में दोस्तों आपके घुटने में जो हड्डी होती है उसका नाम है पटेला ये भी उपांगिक कंकाल में आएगी तो दोस्तों ये दो ऑप्शन होंगे यार उपांगिक कंकाल में आएगी ये भी हड्डी ये भी उपांगी में आएगी ठीक है तो यार इसके बी और सी दोनों ही आपके सही आंसर होंगे क्लियर है क्या क्लियर है तो देखो अक्षीय कंकाल में कौन-कौन सी आती है? जो आपके एक्सिस में आती है एक्सिस के अनुदिश आती है और दोस्तों मैंने अभी बता दी ना पटेला पटेला आपके इसमें पाई जाती है नी में घुटने में तो ये भी उपांगीय कंकाल में आएगी शोल्डर की जो हड्डियां होगी ये भी उपांगी में आएगी ठीक है क्लियर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ महिला कान की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको बताओ बताओ देखो दोस्तों मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो महिला कान की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है दोस्तों कान जानते हो कान हमारा कोई सा भी अंग हो हमारी पूरी बहुत सारी सेल्स से यानी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी हुई है क्लियर है क्या दोस्तों अगर आप लोग बात करोगे हमारी कोशिका की तो कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्र है कि इसके बारे में और न्यूक्लियस के अंदर से धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं धागे जैसे संरचना होती है जिसे आप लोग बोलते हैं क्रोमोजोम दोस्तों अगर हम लोग बात करें हमारी कोई सी भी कोशिका ले लो नाक की ले लो कान की ले लो पैर की ले लो पेट की ले लो हमारी सभी कोशिका में क्रोमोजोम की जो संख्या है वो कितनी होती है छियालीस होती है दो कोशिकाएं ऐसी है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या छियालीस नहीं होके तेईस होती है कौन सी एक तो फीमेल बॉडी में जो ये एग बनता है ना प्रति महीने अंडाणु जिसको बोलते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है तेईस ये कोशिका है सिमिलरली मेल में स्पंप बनते हैं ना शुक्राणु तो स्पम भी एक सेल है कोशिका है तो स्पंप के अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या तेईस होती है इसके अलावा सब जगह छियालीस है यार तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर है क्या चले आगे आंसर आप लोग बताए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी से बता दो बताओ सर मैथ्स और रिजनिंग की क्लास क्यों नहीं हो रही है दोस्तों अभी मैथ्स और रिजनिंग क्लास नहीं हो रही है अभी केवल साइंस की होगी मैथ्स और रिजनिंग के लिए भी करेंगे टेंशन मत लो आप देखो सत्य जड़े किसमें अनुपस्थित होती है ट्रू रूट्स देखो दोस्तों ध्यान रखो जितने भी प्लांट्स है ना उनको आप लोग दो पार्ट में बांटते हो ठीक है देखो एक तो क्रिप्टो गेम जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं अ पुष्पोविध और एक होता है आपके फेनेरोगेम जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पो बीज दोस्तों ये वाले प्लांट कौन से होते हैं जिनमें फ्लॉवर यानी पुष्प नहीं होते जिनमें सीड यानी बीज नहीं होते ये काफी अनडेवलप प्लांट है ये तो फिर भी ज्यादा डेवलप है इसको भी तीन पार्ट में बांटते हो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा थैलोफाइटा वाले प्लांट तो बिल्कुल ही सिंपल होता है ना इनमें रूट पाई जाती है जड़ पाई जाती ना इसमें दोस्तों आपका स्टेम तना पाया जाता ना इनमें लीफ पाई जाती ब्रायोफाइटा वाले प्लांट की बात करें तो ये थोड़े से हल्के से ज्यादा डेवलप होता है क्लियर है क्या आ, ट्रू रूट किसमें उपस्थित होती है अनुपस्थित होती है क्लियर ठीक है ब्रायोफाइटा वाली बात करें दोस्तों रूट तो होती है जड़ तो होती है लेकिन प्रॉपर इतने डेवलप नहीं होती मोटी मोटी नहीं होती तो पतले धागे जैसी होती है तो उसको आप लोग बोलते हैं फॉल्स रूट उनको रूट क्या बोले यार नकली जड़े बोल दो उनको क्योंकि तो रूट तो आपको बता, मोटी मोटी चीज होती है तो ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट है जिनमें ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस वाले प्लांट में आपको प्रॉपर रूट मिल जाएगी जड़ मिल जाएगी इसमें भी मिल जाएगी इसमें भी मिल जाएगी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताओ दोस्तों यहां पर एक सर्किट है आपने देखो आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपको है पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट निकलेगी तो ये जो सेल से ये जो करंट निकल रही है ना उसका मान आपको बताना है सर कैसे निकालू मैं ओम का नियम आप लोग जानते हो बिल्कुल जानता हूं सर वी बराबर आई इंटू आर कितने वोल्ट का आपने सेल लगाया है दस वोल्ट का लगाया है इससे करंट कितनी निकल रही है अभी मैं बता देते हैं ये रेजिस्टेंस बताऊं ये पूरे का रेजिस्टेंस कितना है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है अगर आप लोग निकाल दोगे तो बस इधर पुट कर दो आंसर आ जाएगा देखो ये और छे तीन किसमें समांतर में पैरेलल में कोई भी दो प्रतिरोध समांतर में होते हैं कैसे निकालते हैं उसका इक्विवेलेंट कई बार बता दिया वन इक्विवेलेंट बराबर वन आर वन वन आर तो, तो पहला प्रतिरोध तो, दूसरा है तीन एल सीम लिया आपने छह इधर आ गया एक इधर आ गया दो तो दो प्लस एक तीन तीन बट्टे छह तो वन बाय आर इक्वेलेंट का मान अगर तीन बट्टे छह आया तो इसको मैं एक बट्टे दो बोलती हूँ वन अपन आर इवलेंट एक बट्टे दो तो आर इक्वलेंट दो कितना हो जाएगा आठ ओम और इधर आ जाएगा आप लोगों का दो ओम इसको हटा दो इसको हटा दो, ये और दो किस में जाएगा दस बट्टे दस यानी एक एम्पियर दोस्तों क्लियर है क्या क्लियर है क्लियर चलो अगर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह होता कि इस आठ ओम में कितनी करंट जा रही है तब आपका आंसर क्या होता देखो दोस्तों ये जो निकल रही है यहां से एक एम्पियर निकल रही है 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 ये इसमें भी कितनी जाती है एक एम्पियर ही जाती लेकिन मैं अगर आप लोगों से ये पूछता कि छह ओम में कितनी जा रही है तीन ओम में कितनी जा रही है तो प्यारे दोस्तों ये जो एक एम्पेयर करंट आ रही ना वो बटेगी कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी ज्यादा कहां पर जाएगी जिसका प्रतिरोध कम होगा यानी इसमें क्या जाएगी ज्यादा जाएगी इसमें कम जाएगी चलो मुझे बताओ इसमें करंट कितनी जाएगी कौन बताएगा दोस्तों ये एक एम्पेयर आ रही थी इसको बेसिकली आपको बांटना है कुछ इधर जाएगी कुछ इधर मुझे बताओ इसमें कितनी जाएगी मुझे बताओ इसमें कितनी जाएगी बताओ प्यारे दोस्तों आप है ना छह अनुपात तीन में बांट लो यानी तीन अनु दो अनुपात एक में बांट लो तो जब एक एम्पियर को दो अनुपात एक में बांटोगे तो एक जगह जाएगी पॉइंट छह जाएगी पॉइंट थ्री थ्री एम्पियर ज्यादा कहां पर जाएगी जहां पर प्रतिरोध कम होगा यहां पर प्रतिरोध कम है यानी यहां पर करंट ज्यादा जाएगी जीरो जाएगी दोस्तों आगे ही बात समझ में आ गई क्या एक लड़का बोल रहा है विकास जी बकवास स्टडिंग सर भैया सबके आंसर आ रहे हैं बीच में कमेंट दिख गया मुझे भी क्योंकि देखो आप है ना सब बच्चे कमेंट कर रहे कोई क्या कोई क्या एक लड़के ने कमेंट किया बकवास बकवास की एक तो स्पेलिंग लिखे स्टडिंग सर तो बोलना किसके लिए जा रहे हो खुद के लिए बोल रहे हो क्या विकास जी है तो इधर पढ़ लो कुछ भी नहीं डोलते रहोगे इधर उधर ठीक है आ जाओ कौन सा सल्फाइड आयस का दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से देखो कोई बात नहीं

फिर दोस्तों इससे आप लोग क्या निकालोगे ही? मेटल निकालोगे लेड निकालोगे तो मैं तो इसको लेड का बोल दूंगा इसको कैल्शियम का बोल दूंगा इसको भी कैल्शियम का यस्क बोल दूंगा तो इनमें से कौन सा आप लोगों का सल्फाइड अयस्क है चलिए दोस्तों बात करते हैं एक एक पहले तो हेमेटाइट हेमेटाइट क्या है दोस्तों जब आपका आयरन ऑक्साइड स्टेट में पाया जाता है ना तो उसको बोलते हैं हेमेटाइट तो इससे आयरन निकल सकता है यानी ये आयरन का अयस्क है लेकिन कैसा यस्क है ऑक्साइड है तो हेमेटाइट को आप लोग हटा दो दोस्तों बात करते हैं आप लोगों का और कौन सा दिया हुआ है डोलोमाइट दिया हुआ है क्या डोलोमाइट इसको भी हटा दो क्योंकि देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट अयस्क है है ना इसको भी आप लोग हटा दो अब आती है जिंक ब्लेड जिंक ब्लेंड देखो जिंक ब्लेंड आप लोग किसको बोलते हो जब आप लोगों का जिंक सल्फाइड स्टेट में पाया जाता है ना इसे ही जिंक ब्लेंड बोलते हैं तो फिर आप लोग मेटलर्जी अर्जी प्रोसेस से जिंक निकाल लोगे तो ये जिंक का अयस्क है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तो आपको सल्फाइड अयस्क चुनना था क्लियर है क्या चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए बताओ बताओ आपको बताया जा रहा कौन सा कथन गलत है दोस्तों क्या लीवर बाइल जूस निकालता है क्या पितरस निकालता है क्या ये तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों लीवर क्या रेडिश ब्राउन रंग का होता है क्या, लाल से से कलर का होता है क्या? बिल्कुल सही बात है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सही बात है ग्लैंड किसको बोलते हैं ऐसे ऑर्गन जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बनते हो निकलते हो तो लीवर से निकलता है बाइल जूस पे तो ये ये ग्लैंड ग्लैंड है है बिल्कुल और सबसे बड़ी ठीक है।, है क्या चलिए जैसे बाकी के जो ग्लैंड होती न, ग्लेंड, ग्लेंड, चोटे -चोटे है ना पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड कितने छोटे छोटे होते हैं आपके तो लीवर इज लोकेटेड इन दी अपर पार्ट ऑफ दोस्तों दस किसको बोलते हैं इसको बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जो है वो आपका एपडोमैन है

इनकरेक्ट हो जाएगा आ गई बात समझ में दोस्तों प्लीज वीडियो के बाद में कमेंट करके जरूर बताना जब क्लास पूरी हो जाए कि सर बीस में से तीन या बीस में से दस या बीस में से पंद्रह साथ में लिखना कि हां सर मुझे सीख रहा हूं मैं क्योंकि अगर आप लोग सीख रहे हो ना तो बीस में से एक हो दो हो पांच हो कोई दिक्कत की बात नहीं है सीखना इंपॉर्टेंट है डेली क्लास लीजिए डेली सुबह दस बजे मैं जुड़ता हूं आप लोगों के साथ में ठीक है तो इसको मिस मत करिए दोस्तों जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच में बायोलॉजी शुरू हो चुकी है मजा आ जाएगा आप लोग एक बार जुड़ के देखो दोस्तों जीवन में एक बार पढ़नी है बार बार नहीं पढ़नी इतना समय नहीं है आपके पास में यार एक बार पढ़ो अच्छे से पढ़ो जिससे सब एग्जाम कोई सा भी दे लो चाहे आप एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी वगैरह कुछ भी दे लो और मैं तो बोल रहा हूं, आप लोग अपने स्टेट का कोई सा भी एग्जाम दे लो बस एक बार पढ़ो साइंस ठीक है आप लोगों का मात्र मात्र सेवन डबल नाइन में चारों सब्जेक्ट करवा रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डेली लाइव क्लास है मिस करते हो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ठीक है आपका हर एक कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा हूं टी का हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे आपको पता पड़ रहा है कि आप लोगों को एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे एक साल की दोस्तों वैलिडिटी है और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रहा हूं जिसका प्राइस है टू डबल नाइन अलग से परचेज मत करो इसी में आप लोगों को फ्री मिल जाएगी पीडीएफ है ही आपका ज्वाइन कैसे करना है प्ले स्टोर पर जाइए साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो पहले नंबर वाले पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे इधर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा बाय नाउ आप लोग कर लीजिएगा और दोस्तों आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन आएगा पेमेंट कर दोगे तो आप लोग सीधे जुड़ जाओ कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करना ना भूले शेयर कर ले दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू सो मच टेक केयर बाय